के लेक्चर नंबर 3 डिस्क्राइब प्लांट हॉर्मोन्स स्टेट द नेम्स ऑफ द प्लांट हॉर्मोन्स एंड द देयर इफेक्ट। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हॉर्मोन्स है कि जो ग्रोथ को प्रमोट भी करते और ग्रोथ को प्रिवेंट भी करते, मीन्स रोकते भी है। तो देखो प्लांट हॉर्मोन्स दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलप एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। दे आर सिंथेसिस एट द प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। ओके प्लांट हॉर्मोन्स तो ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ एंड डेवलप एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। ओके अब प्लांट के जो ग्रोथ है उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है और सेकंड जो है वो ग्रोथ को प्रिवेंट या तो इनहेबिटेट करता है, मीन्स ग्रोथ को प्रमोट करना और ग्रोथ को डिमोट करना। तो ग्रोथ प्रमोटिंग में फर्स्ट है ऑक्सिन, फर्स्ट क्या है ऑक्सिन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ऑक्सिन का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इट इज सिंथेसाइज एट द सूथ टिप, इट इज सिंथेसाइज एट द सूथ टिप। इट हेल्प सेल्स टू ग्रो लॉन्गर वेल लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट ऑक्सिन डिफ्यूज टावर द साइड ऑफ द सूट विच इज अ सेल। देखो जहाँ पे आपकी लाइट कांटेक्ट में आएगी प्लांट की, तो जो आपका ऑक्सिन जो प्लांट है ना, मीन्स ऑक्सिन जो ग्रोथ है ना हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन स्टिम्युलेटेड द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट। ओके स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिम्युलेटेड द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। ओके लाइट जब जिस पार्ट में लाइट नहीं पड़ती उसके अलग पार्ट में जाएगा ऑक्सिन। दस द प्लांट अपियर टू बैंड टावर लाइट, तो जो प्लांट होता है वो लाइट के टावर बैंड करता है। तो ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म, ये एग्जाम में आ चुका है कि फोटोट्रॉपिज्म के लिए प्लांट में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑक्सिन, फिर जिब्रेलिन। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, तो स्टेम के ग्रोथ के कारण, स्टेम के ग्रोथ के कारण कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जिब्रेलिन। और थर्ड है साइकोटाइनिन। इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इन एरिया वेयर रैपिड सेल डिविजन अकर्स इन फ्रूट्स एंड सीड। इट इज फाउंड इन मोर कॉन्सेंट्रेशन, इट प्रमोट सेल डिविजन। तो ये भी आ चुका है कि सेल डिविजन आ चुका नहीं है लेकिन आ सकता है, ये दोनों आ चुके हैं। तो सेल डिविजन में, सेल डिविजन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहेबिटिंग हॉर्मोन इन इनहेबिटेड प्लांट ग्रोथ, तो इसके कारण कौन सा है हॉर्मोन, तो एब्सिसिक एसिड, कौन सा एब्सिसिक एसिड। इट इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। ओके तो एब्सिसिक एसिड, तो ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा हॉर्मोन है, तो एब्सिसिक एसिड। तो ये अलग अलग हॉर्मोन्स हो गए आपके, तो ग्रोथ प्रमोट करने के लिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड ग्रोथ को इनहेबिटेड मीन्स प्रिवेंट करने के लिए एब्सिसिक एसिड। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टावर्ड लाइट। द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट और शूट टावर्ड लाइट, तो इसमें दिस इज नॉट ग्रोथ रिलेटेड, ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं है और ये ग्रोथ रिलेटेड है। ओके ये फर्स्ट पॉइंट। दिस इज नॉन डिरेक्शनल मूवमेंट, ये जो है लीव ऑफ सेंसिटिव वो नॉन डिरेक्शनल है, और शूट टावर्ड लाइट तो ये डिरेक्शनल मूवमेंट है, ये रैपिड है और ये स्लोली है। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर रिजल्टिंग ड्रॉपिंग ऑफ लीव टावर टच। ओके और ये ऑक्सिन प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर टच फोटोट्रॉपिज्म, ये किसके कारण, फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके फिर हाउ टू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ टेंडल अराउंड सपोर्ट, तो ये ऑक्सिन के बारे में बता दिया हमने। फिर ये काम का है, देखो डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाइपोट्रॉपिज्म, तो देखो ये प्रोसीजर आपको अपने हिसाब से करनी है, इसमें होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अलग अलग दो फिगर ली हुई है, देखो दो अलग अलग फिगर है, यहाँ पे क्या है स्ट्रेट ग्रोथ ऑफ द रूट्स दिखाया है, यहाँ पे रूट कर्व डायरेक्शन ऑफ द वाटर। तो देखो ये दो अलग अलग पार्ट है, यहाँ पे जो मिट्टी है ना वो वेट मीन्स पानी वाली मिट्टी है, और यहाँ पे जो मिट्टी है ना वो सूखी है मीन्स जिसमें पानी नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा दूर हमने वाटर का एक सोर्स मीन्स कर्व ऑफ क्ले रखा हुआ है, ये वेट क्ले है। ओके यहाँ पे भी ऐसे दिया हुआ है। ओके
इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लांट है ना उसकी जो ग्रोथ है वो किसके डिरेक्शन में होगी, तो पानी की डिरेक्शन में। तो यहाँ पे तो सभी जगह पे पानी अवेलेबल है, तो ये इसका ग्रोथ ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ पानी यहाँ पे भी है, बाकी तो वेट के लिए तो है सब में, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो देखो आपको रूट कहाँ पे दिख रहा है, ऐसे कव होता हुआ पानी की डायरेक्शन में दिखेगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि जो रूट्स होती है ना जमीन के अंदर, वो रूट्स का जो ट्रॉपिज्म होता है वो पानी की डायरेक्शन में होता है, मीन्स मूवमेंट पानी की डायरेक्शन में होता है। तो यही बात हो रही है किसकी, कि रूट की डिरेक्शन मीन्स पानी की डिरेक्शन में जो ट्रॉपिज्म होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये आप एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो घर पे भी। ओके, तो यहाँ पे दो अलग अलग, यहाँ पे भी वेट के लिए, यहाँ पे वेट के लिए, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं था, यहाँ पे पानी था, तो पानी की डायरेक्शन में आपने दिखाया हुआ है उसका ट्रॉपिज्म।